जी तो वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग एंड अनदर टूर्नामेंट। जी तालिब कह रहे हैं आज मैंने इंट्रो नहीं देना, मैंने कहा मैं ही इंट्रो दे देता हूँ। आज पहला मैच ही बहुत तगड़ी टीम से आ गया, सारी प्रोफेशनल है वहाँ से, देखते हैं क्या बनता है। अपनी टीम भी पूरी है, फिर भी प्रोफेसर फराज करेंगे पहला ओवर, पहला बॉल फेस करेंगे बिलाल टंकी जो कि अच्छे बैट्समैन प्रोफेसर। मुंह बच गया, मेरा मुंह बच गया। पहला बॉल वाइड प्रोफेसर, अच्छी लेंथ थी, और दूसरा बॉल बड़ी अच्छी लेंथ पे, एक एक अच्छी बॉल प्रोफेसर की जान से। दूसरा बॉल और एक और अच्छा बॉल, दो एक अच्छी लेंथ अपनाई हुई है प्रोफेसर ने। बख्शी यही लेंथ है भाई, थोड़ा लंबा उसको आसानी होती है, हमारा बाउंसर है। बख्शी अपनी हाइट की शिकायत करते हुए डायरेक्ट अल्लाह मियां से, कितने तीसरा बॉल प्रोफेसर और एक और अच्छा बॉल, ब्यूटी ब्यूटी ब्यूटी, क्या कंट्रोल लेंथ रखी है प्रोफेसर ने। तीन एक चार, चौथा बॉल ओवर का प्रोफेसर इस वक्त बहुत ही ब्यूटी करते हुए, और ये वन वन आपकी कॉल, चार एक, चार बोले एक, एक बेहतरीन ओवर प्रोफेसर की जानिब से जारी है। पांचवा बॉल और एक और अच्छा डॉट बॉल, प्रोफेसर खेलने का मौका ही नहीं दे रहे। लास्ट बॉल है प्रोफेसर का, क्या ही ओवर किया अभी तक प्रोफेसर ने, एक वाइड बॉल, पांच दो, पांच दो लास्ट बॉल है ओवर का, क्या होगा इस बॉल पे, एक अच्छा बॉल अच्छा शॉट, सिक्स रन ओवर, आठ स्कोर, लास्ट बॉल गलत हो गया, एक ओवर आठ प्रोफेसर के आखिरी बॉल पे सिक्स रन आ गया। ओवरऑल ओवर अच्छा किया प्रोफेसर ने। दूसरा ओवर करने आ गया बिला, फास्ट एंड फ्यूरियस बिला, पहला बॉल करें फिर भी दो, और अच्छा बॉल अच्छी लेंथ गुड पेसिंग बॉल, अच्छा बॉल बिलाल का पहला। दूसरा बॉल लेफ्ट आर्म बैट्समैन उनके फेस करेंगे, दूसरा बॉल भी अच्छा यॉर्कर लेंथ पेसिंग बॉल, दो बोले कोई स्कोर नहीं, तीसरा बॉल करेंगे फिलहाल बिलाल वाइट बॉल, दो एक, दो बोले तीसरा बॉल फिलहाल, और एक और अच्छा बॉल, पांच एक, सॉरी तीन बोले एक, तीन एक बेहतरीन ओवर बिलाल की तरफ से जा रहा है। चौथा बॉल और एक अच्छी लेंथ पे, वन अप की कॉल अंपायर की, चार एक, इतना करो ना यार। पांचवा बॉल बिलाल का, अच्छा पेसी वन और एक और डॉट बॉल, और यार क्या कर रहा है अजीम, पांच एक, आखिरी बॉल अच्छा करते हैं तो बिलाल का एक बेहतरीन ओवर हो जाएगा, क्या ही बात है। बिलाल अच्छे पेसी बॉल करते हुए अच्छा शॉट किया और रन आउट का चांस, और दो स्कोर, दो ओवर दस स्कोर, दो ओवर दस, तीसरा ओवर करने आ गया हमजा बख्शी। इस ओवर में गोल्डन बॉल भी होगा जिसपे जो रन भी हुआ डबल होगा, तो मैच टर्निंग ओवर हो सकता है ये, अगर हमजा बख्शी अच्छा करते हैं तो मैच विनिंग हो। अच्छा बॉल इनसाइड एज, आवर दैट, यस गॉन, क्या बात, पहली बॉल पे रन आउट, एक बॉल एक बड़ी विकेट आ गया रन आउट, अच्छा बिलाल का रन आउट था। दूसरा बॉल हमजा बख्शी अच्छे पेसे करते हुए, दूसरा ओ मिस हो गया, मिस हो गया, मिस हो गया, दो बॉल एक स्कोर, हमजा बख्शी भी अच्छी लेंथ और अच्छी पेस के साथ बॉल करते हुए। तीसरा बॉल हमजा बख्शी अच्छा बॉल, तीन दो, तीन बोले दो, चौथा बॉल हमजा बख्शी, एक इसने जान हमारी खाई है वलीद गोंदल ने, आप देख सकते हैं, और ये अच्छा बॉल अच्छी लेंथ, और ये थोड़ा ऊपर रुक गया, इसकी वजह से सिंगल मिलेगा, गोल्डन बॉल ले लिया, पिक बॉल मैच बॉल हो सकता है, इस पे जो होगा डबल कंसीडर होगा, और ये अच्छा बॉल सिंगल नहीं हुआ, अरे आउट 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 आउट, कोई रन नहीं आया गोल्डन पे, अच्छी थ्रो आया शाबा बिलाल बख्शी का, बहुत ही बेहतरीन ओवर अभी तक, तीन स्कोर आया है टोटल हमजा बख्शी को, तेरह स्कोर टोटल। लास्ट बॉल फुल टॉस,
और ये पॉल पे लग के 4 रन, एक अच्छा स्कोर सेट हो गया उनका 17-18 यहाँ पे, एक बहुत ही रीजनेबल टोटल है। 18 to win, तालिब इलेवन को चाहिए 3 ओवर्स, उनकी बॉलिंग लाइन भी बहुत अच्छी यार। बख्शी रहो इस चौके में बैठ के, रहो पूरी रात रहो। पहला बॉल फेस करेंगे तालिब फाद भट्टी का, 18 स्कोर चेस करना, क्या तालिब इलेवन ये स्कोर चेस कर सकेगी। पहला बॉल और इनसाइड आउट, थर्ड बॉल, सेकंड बॉल ऑफ दी ओवर, हियर वी गो, अच्छा बॉल, अच्छा शॉट, ओह फील्डिंग लाइन, अच्छी फील्डिंग करते हुए बाउंड्री लाइन, अच्छा शॉट गया तालिब, और ये नो बॉल, एक यकीनी नो बॉल, और ये यकीनी नो बॉल, नहीं नो बॉल नहीं दिया, इसलिए ये सिंगल ही मिलेगा। 3-1, चौथा बॉल सबूर फेस कर, और यकीनी सिंगल, 4-2, 5वां बॉल और आउटसाइड एज, और इसी के साथ सिंगल, और बॉल बाहर चला गया, 2 हो गया, भाई जाना बताया रूल वाले, भाईजान उसने बताया, वो भाईजान शुरू में बताया, टॉस के वक्त बताया, किसको बताया, अब ये क्या कहेंगे इस पे, कन्फर्म 2 होता है, अंपायर ने 2 दिए, मैं था यार, आप दोनों अरे भाई बताया ही नहीं, हमें बताया होता मुझे से आके और खेले, जितने मर्जी टूर्नामेंट हो बाहर का सिंगल हो, ये पता नहीं किसी को लगा, हमें बताया नहीं, ये चीज वो है जो डिफाइन भी नहीं करने की जरूरत है। अभी नो बॉल हुआ, हमने ये नहीं कहा, जो मेरे ख्याल में तीसरा बॉल था, आप कमेंट्स में बताइएगा कि वो पक्का नो बॉल था, हमने कुछ भी नहीं कहा। अंपायर जी फिर कह रहे हैं हमारी मान ले, हालांकि प्रोफेसर स्पेशल अंपायर से पूछा था ओवर करने से पहले कि ये जाना क्या है, अंपायर ने कहा था 2 है, और अब दूसरी टीम रूल ही नहीं मान रही। राज भाई फिर से अच्छा डिफाइन कर रहे हैं रूल, नहीं है ना,
कितना स्कोर टूटा है? एक सिंगल हो गया था, गेंद बॉल नहीं और नहीं नहीं यार काफी रोले के बाद हमेशा की तरह हम नहीं माने क्योंकि अंपायर ने रूल डिफाइन भी किए हैं, फिर भी रोला एक नजायज इशू उठाया गया पर हमने मान लिया और डेड कर दिया बॉल। देखते हैं क्या होता है अब क्योंकि अगली टीम मैच छोड़ के जा रही थी। तालिब ने कहा कोई नहीं आ जाए वापस कोर्ट में, क्रिकेट को जारी रखना है। पांचवा बॉल, 4-2 हो चुका है। पांचवा बॉल स्लो बॉल किया, डॉट बॉल 5-2 लास्ट बॉल इम्पोर्टेंट बॉल है मैच का क्योंकि स्कोर अभी काफी चाहिए तालिब इलेवन को। और ये नो, ओ यार ये भी नहीं है यार, अंपायर ने बड़ा सीधा नो पी लिया। बाहर वाले बंद भी कह रहे शाबाश शाबाश, अब तुमने नहीं माना यार, दिया यार वो भी हमने छोड़ दिया, ये तो पक्का नो है। ये तो इसने पेड़ से खेला, पेड़ से खेला यार, उसने नीचे से भी नहीं खेला। हाँ जी अब क्या बनेगा इस बॉल का? आज हम मिड एंट्री देके जाएंगे, लेकिन मुझे लगता है हर कॉम्प्रोमाइज करते हैं, कोई बात नहीं यार, ये हर बार हम ही यार हर चीज पे हम कॉम्प्रोमाइज करें। नहीं यार वो प्रेशर बढ़ा रहे हैं ना, ऊपर चढ़ी जा रहे हैं भाई, क्या एक पहले नो उसके बाद फिर जो बाहर वाला सिंगल है वो भी खा गया, अब ये वाला भी नो मिल गया, एक ओवर में तीन तीन हो गया, किस तरह चलती है? ऐसे नहीं होगा, ये ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। प्रोफेसर इस वक्त पहले भी पक्का वन है बायर, बायर की क्रेडिबिलिटी नहीं है, अंपायर कह रहा है डेड बॉल है, अब हमने कहा तो डेड बॉल मानी नहीं। अब क्या माहौल चल पड़ा पहले तो नहीं किया आपने, पहले तो नहीं किया, आपका नाम सुबोरी है मैं जानता हूँ, अंपायर स्कोर तो वो भी थी ना, दो ये पूरे इंडोर लाहौर में होता है, जब बाहर मैं को अंपायर्स को पता है, फ्रेंडली मैच है यार, ताली भाई को पता नहीं, ताली भाई को पता नहीं, ताली भाई जो नहीं तो पिछला भी तो हुआ था ना, ताली भाई ये पिछले तो उनके लिए छोड़ दूं, आपने छोड़े ना पिछले पे, पिछले पे छोड़ दोगे ना भाई, आप नहीं जाओगे, आप अभी भी नहीं जाओगे, आप अभी भी नहीं जाओगे, आपको इंशाल्लाह भेजेंगे। क्या दूसरे ओवर का पहला बॉल शॉट किया, डॉट बॉल पहला बॉल, दूसरे ओवर का डॉट, 11 बॉलें रह गई हैं, एक अच्छा शॉट और एक और डॉट बॉल, 2 बॉलें, एक सबूर को एक पॉइंट्री करनी हो, पॉइंट्री बहुत जरूरी तालिब इलेवन के लिए मैच में रहने के लिए, और एक और डॉट बॉल, 3 बोले कोई स्कोर नहीं आया इस ओवर में। चौथा बॉल फेस करेंगे अब्दुल सबूर, सभी कुछ और अच्छा शॉट, वन अप की कॉल अंपायर की, वन अप और एक स्कोर है, 4 बोले एक, तालिब आ गए स्ट्राइक पे, तालिब को एक बड़ी इनिंग खेलनी होगी ऐसे मौके पे, और वाइड बॉल 4-2, 8 बोलों पे 14 रन रह गए हैं, तालिब है फेस पे, अभी गोल्डन बॉल भी बड़ा है और अगला ओवर भी बड़ा है, तालिब 5वां बॉल फेस करेंगे और तालिब ऊपर की तरफ शॉट करते हुए शॉट, बोले नहीं गेंद से 5 बोले एक, बेहतरीन ओवर बॉलिंग लाइन की जानिब से अभी तक, बल्कि 2 स्कोर हुआ है और आउटसाइड है, सबूर रन आउट, 14 स्कोर चाहिए एक ओवर में जो कि बहुत बड़ा टारगेट इंडोर के लिए आ सकता है। हे वी गो,
क्या बात है, बहुत अलग सिंगल है यार, सिंगल हो पांच बॉलों पर 13 स्कोर चाहिए। थालीबास वाइड बॉल, बहुत अल्लाह बहुत अल्लाह बहुत अल्लाह बहुत अल्लाह। वो बताते हैं फास्ट 150 पे आए हुए हैं भाई जान, यहाँ पे इन्होंने पहला ओवर बहुत अच्छा किया 2 स्कोर पे। क्या वी गो, क्या बात है क्या बात है, गुड सिंगल गुड सिंगल। फास्ट 150 हमारे पास आ गए हैं डराने के लिए। ये 11 फिर रह गए, 4 बॉलों पर 11 स्कोर चाहिए। छोटे निकी बारी पे आ चुके हैं, लेसिस टाइट कर देखिए, बटिया 8 बॉल खेलने आया हुआ है और इसी के साथ नसीब खान क्या बात है भैया, 10 चाहिए 3 बॉलों पे, 10 चाहिए, गोल्डन बॉल भी रहता है, सेकंड क्लास बॉल पे हम गोल्डन बॉल लेंगे अभी नहीं। 7 3 बॉलों पर 10 स्कोर चाहिए, गोल्डन बॉल गोल्डन बॉल, थालीब ने गोल्डन बॉल ले चुके हैं और गुड बॉल बा नसीब का, नकी जा चले जा चले जा क्रॉस कर, ये बहुत अला क्या बात है, 2 बॉलों पे 7 स्कोर रह गए, 2 पे 7 स्कोर चाहिए, 1 छक्के की दूरी पे हम है मैच और नसीब खान ने पट्टी बोर वाला डाला था, बोर वाला डाला पट्टी ने, खामोशी हो गई हर जगह पे, 1 रह गया, 1 में 2 ओए पैर भी 2 रहता है। देखें जी क्रिकेट की नौयत, देखें कितना बड़ा मैच हो रहा है, सब जगह क्रिकेट रुक चुकी है, वो कह रहे हैं हमने ये मैच देखना है क्योंकि 1 बॉल पे 2 स्कोर रह गया, सामने भी एक बहुत तगड़ी टीम है लाहौर के, ऑल एंड आउट पुराने और नए प्रोफेशनल सब ऐड है, टॉप ऑफ द लिस्ट फाद भट्टी फिलहाल टैंकी, 1 बॉल पे 2 स्कोर चाहिए, बिस्मिल्ला जी भागो भाग जा वापस जा वापस जा, नहीं लेट हो गया लेट हो गया लेट हो गया। लेकिन मैच टाई हो चुके हैं भाई, फर्स्ट टाइम इन इंडोर स्टेट सुपर ओवर, सुपर ओवर वाला था हाँ, लेकिन मिस हो गया, मिस हो गया, अच्छी बॉलिंग है, सुपर ओवर बहुत तगड़ा है। अब बैटिंग साइड बॉलिंग पे बैटिंग साइड आती है, लेकिन हम इसी के साथ रूल के मुताबिक हम पहले बारी करेंगे, इट इज यूएसए वर्सेस पाकिस्तान अगेन, क्या बात है बिस्मिल्ला। लेकिन जैसे कल पाकिस्तान और यूएसए का सुपर ओवर हुआ है, इसी तरह इधर भी एक पाकिस्तान है एक यूएसए, नहीं यूएसए तो नहीं है वो भी पाकिस्तान की टीम ही है, तो बड़ा ही मजेदार मैच हो चुका है जी, सुपर ओवर डिसाइडर, वेरी गुड मैच, तालिब की वजह से एक छक्का लगा और एक सिंगल आई जिसकी वजह से मैच टाई हुआ, और क्या बात है भाई तालिब अब्बास की एक्सीलेंट बैटिंग पे, तालिब अब्बास उम्मीदों पे उतरते हुए, काश इस तरह कभी हारिस रऊफ भी उम्मीदों पे उतर जाए भाईजान, उतरेगा हारिस रऊफ कल उम्मीदों पे, कोहली से बदला लेगा, देखो बॉलर पे तो उतर गया हारिस रऊफ वाली उससे तो गया जगह लेनी फहद भट्टी 150 प्लस आ चुके हैं बॉलिंग पर जी, देखते हैं क्या होता है, लेनी सुपर ओवर फहद 150 और फहद 150 तालिब 360 फेस करेंगे और जी सुपर ओवर चाकरा भट्टी बॉलिंग पर, उम्मीद है कि तालिब एक हिट लाजमी करेंगे इस ओवर में, भट्टी हियर वी गो, ओ भट्टी भट्टी साइन सम काइंड ऑफ प्रेशर, थोड़ा पाउंड का लड़खड़ाया वहाँ पे, उन्होंने अपना रन छोड़ा और वापस जा रहे हैं लड़कते हुए, देखते हैं क्या होता है। ले जी सुपर ओवर का पहला बॉल कभी ना कभी स्टार्ट होगा, उम्मीद है आज हो जाएगा, हियर वी गो भट्टी हिलते हुए झुलते हुए हल्के होते हुए, हियर वी गो भट्टी, शुक्र है भट्टी स्टार्ट हुए रन भागने के लिए, अरे भट्टी ने भाई है खूबसूरत तेज यॉर्कर हवा में अंदर आया और तालिब का डंडा हो गया, और इसी के साथ हमारी उम्मीदें 60% पानी में, देखते हैं क्या होता है। सुपर ओवर में पाकिस्तान जैसा हाल ना हो जाए हमारा भी, और पहली बॉल पर मैं आउट होकर आ चुका हूँ वापस, फहद भट्टी ने बहुत अच्छा यॉर्कर मारा, इन स्विंग यॉर्कर था, अब देखते हैं नकी और सैबी गुजर 5 बॉलों पर क्या स्कोर करेंगे और क्या टारगेट देंगे। ले जी नकी भाई फेस पे, नकी यार रन, नकी इतना लेट आया,
बैट ही घूम गया तेरा। वो बोले कोई स्कोर नहीं, लास्ट विकेट है, स्कोर होना बहुत ज़रूरी है, एक बाउंड्री लगना तो लाजमी है क्योंकि बॉलर को कम से कम 6 या 7 स्कोर तो चाहिए डिफेंड करने के लिए। ला बॉल हो गया, पीछे जा रहा है, पीछे जा रहा है, चप्पे चप्पे फुल चप्पे, पीछे किधर जा रहा है खेलने। एक स्कोर करना है सुपर ओवर में और अभी पता चला है कि टूर्नामेंट में री एंट्री वाला सीन भी है, तो हमारी अगर हम हार गए मैच तो हमारी टीम री एंट्री कराएगी फर्स्ट टाइम इन इंडोर क्रिकेट हिस्ट्री, और क्योंकि इधर लागतबाजी शुरू हो गई है और अब टूर्नामेंट होने वाला बहुत मज़े का, और इंशाल्लाह हम कम बैक करेंगे और टूर्नामेंट में वापस आ गए अपने जो चप्पे हैं उनको वापस देंगे। अभी तो एक स्कोर है, बिलाल जो है वो बॉलिंग एंड पर तैयार हैं, देखते हैं हम किस बॉल तक मैच को ले जा सकते हैं। पहला बॉल वाइड बॉल, और खुशियाँ और हम इस पहला मैच, ठीक है पहला मैच आ रही है और टूर्नामेंट से वैसे तो आउट हो गए, लेकिन टीम का फैसला है कि हम री एंट्री कराएंगे, करवानी नहीं थी, इतने चप्पे हुए हैं, इतना लागतबाजी शुरू हो गई है, अब हम टूर्नामेंट में कराएंगे री एंट्री और फिर फुल जोश से आएंगे। यार यार रोला क्या हुआ है, उधर रोला हुआ भाई, पंचायत बैठ गई हमारी यार, हम पहली दफा करा रहे हैं और वो कह के गया इंतजामिया, इंतजामिया कह के गई है इसी लो जी लड़ने जा रहा है यार बच्ची, यार इतना हम हारे हैं फिर भी इतना यार नहीं, मसला उतराना बनता है, ऐसे तो नहीं होता, सब री एंट्री कराते हैं, हमारे पे कानून तो नहीं, पहली दफा आ गई है तो मतलब हमारे पे कानून ही चेंज तो नहीं होती, हर जगह होती है। भाई क्यों नहीं री एंट्री है, लोग कौन हो आप, क्यों मैं चुप कर, ये नवाज शरीफ है, टूर्नामेंट हो रहा है, आप पहले आपको पता री एंट्री आपने भी कराई हुई है, आप भी तीन दिन बाद सुनो, आप दो दफा मेरी बात सुनो, मेरी बात ऐसे कोई नहीं बोले, एक मिनट मेरी बात, आप एंट्री का क्या पता क्या, एक मिनट मैं बोल रहा हूं, आप एंट्री मेरी बात यार, मेरी बात सुनो यार, आप प्लीज मेरी बात, थैंक यू यार, थैंक यू भाई, आप ही आ जाना सामने, आपको भी चेयर देंगे, आपको भी चेयर देंगे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आपको तो आपको तो चेप आए थे, 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 चेपा था आपको तो नहीं, ये वो क्या राज भाई, क्या हमारी लूजिंग स्ट्रीक स्टार्ट तो नहीं होगी, एक मिनट जिस टीम से हम आ रहे हैं वो इतना डरी है, वो कह रहे हैं भाई री एंट्री नहीं होती, हालांकि वो खुद हर टूर्नामेंट में करवाते हैं, बस वो 1-18 करके जीत गई है, 1-18 करके हार गई है, हमने भी 18 ही किया था, हार गए आप, हार गए, री एंट्री कराएंगे, नहीं नहीं करा ले, मैच सब तो आ गए, आप री एंट्री है, उम्मीद है, उम्मीद है यार, वो सारी टीमें इकट्ठी हो गई है, कह रही है नहीं करानी इनकी, हम तो करा रहे हैं, पहले क्या हो गई, हमने नहीं आपको, हमने एक दफा भी नहीं कहा कि री एंट्री, बाकी टीमें आप देख लो आज आगे क्या होना हुआ, मोहन री एंट्री होगी, होगी क्या हुआ भाई जान, क्या सारे डर आपसे, बस यकीन सारी दुनिया कराती है यार, सारे करवाते हैं, हमने भी करवाई है 2-3 दफा, लेकिन वो कह रहे हैं तालिब भाई के नहीं होने देनी, तालिब भाई के टूर्नामेंट लेके लाहौर के शेयर टूर्नामेंट लेके चले गए, माशाल्लाह बात बट्टी 150 उसका नाम है बंदे का, उसने रोला चुक दिया वगैरह, टूर्नामेंट की सारी टीमें मेतर आ जाए, कोई बात चले ठीक ठीक है, कोई बात नहीं, जी हमारे में ही था लूजिंग स्ट्रीक स्टार्ट हो गई, विनिंग के बाद कोई बात नहीं, क्रिकेट स्कोर नहीं हुआ, सिर्फ 2 ही आउट ही हो गए, स्कोर बिल्कुल भी नहीं हुआ, तो गैड हो गया मैच, बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह कल नए व्लॉग के साथ, आज के लिए।